नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। कहलाए
दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल, तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल, तन के कारण मन के धन को मत माटी मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हम तुम्हें दासी समझते हैं। आप नहीं समझते तो ये आपकी महानता है, लेकिन मैं कैसे भूलूं कि आपके पिताजी हवेली के राजा थे और मेरे पिताजी उनके मुनि। अब एक नौकर की बेटी अपने आप को दासी नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? दासी? फिर कभी अपने आप को दासी कहा तो? ओए माँ छोड़िए ना, नहीं तो मैं जाकर माजी से कहूंगी कि मेरे सर पे जो दो चार बाल रह गए कुंवर जी उन्हें नोच के रहेंगे। अच्छा, माजी से शिकायत करोगी? नहीं बाबा, नहीं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आप चाय पीजिए। बैठो, तुम भी चाय पियो। मुझ बेचारी को तो जहर खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। सवेरे सवेरे माजी के बाल गोपाल को भजन गाकर प्रसन्न करना पड़ता है, फिर चाय पीने के लिए उनके नंद गोपाल की खुशामद करनी पड़ती है, फिर घर जाकर भैया को नाश्ता बनाकर देना पड़ता है, तब कहीं जाकर आधा कप चाय नसीब होती है। नन्नी सी जान, हजारों काम। तो मुझे किसी का डर है? सच्ची तो कह रही हूँ। हाँ हाँ माँ जी, भोला को वो नुस्वार की डिबिया दे दूँ ना, और उससे कहूँ कि बाजार जाए तो वैसे ही एक और ले आए। नहीं, उसे वापस कर दे और नत्थू से कहे कि जो पहले नमूना भेजा था वही भेज दे ना। कितने शरीर है। वही तो इस हवेली की रौनक है, हवेली की आत्मा है। जीते रहो बेटा। हे पवन पुत्र हनुमान, हे मेरे भगवान, मेरी सहायता करना। खांसी हो जाए, हैजा हो जाए, बुखार बुनियादी नहीं, बुखार मुनियादी हो जाए, किंतु प्रभु देखना कहीं मेरी शादी न हो जाए। मैं ब्रह्मचारी हूँ प्रभु, मेरे बच्चे भी ब्रह्मचारी पैदा, और प्रभु देखना कहीं किसी नारी जाति का साया भी इस जति सती पर ना पड़े। प्रभु मुझे नारी जाति से बहुत वो है, वो समझे प्रभु। जिस तरह आप राम भक्त हनुमान कहलाते हैं, उसी तरह मैं हनुमान भक्त भोला कहलाऊं। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। ओ ब्रह्मचारी जति सती बालक। दीदी तुम होनी बड़ी बलवान है, तुम कुछ और सोच रहे हो और रानी माँ कुछ और सोच रही हैं। यदि क्या सोच रही हैं रानी माँ? क्या से कह रही थी कि अगर भोला ने जल्दी जल्दी घर नहीं बसाया तो उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। लो। उनका ख्याल है कि जब लड़कों के मुंह पर दाढ़ी मूछ निकल आए ना तो उनको जल्दी से ब्याह कर लेना चाहिए। तो मर गए भोला ना। लेकिन दीदी ब्याह तो आपका पर... भगवान का लाख लाख शुक्र है, ना हमारे दाढ़ी मूछ निकलेगी और ना रानी माँ हमें शादी कर देने की धमकी देंगे। आ रही हूँ। लो भाई, आती हूँ भाई, आती हूँ। बोला इसे बदला कर वो पहला वाला नमूना ले आना। अच्छा, हे प्रभु आपने मुझे चिकना क्यों नहीं बनाया, हमें तो इस दाढ़ी ने मरवाया। कोई बात नहीं, अभी साफ कर देते हैं ये कचरा, फिर जाएंगे रानी माँ के सामने। ओहो, आ तो रही हूँ। ये खामखा पै 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 क्यों कर रहे हो? कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। ये लो चाबियाँ, कुंवर जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तुम लोग क्या कह रहे हो, कम से कम इतवार को तो घर पर चैन से बैठा करो। कभी कॉलेज में मैच हो रहा है, कभी पिकनिक पे जा रहे हैं, और दो तीन साल से नई बीमारी लगा रखी है बोटिंग की। अरे भाई उसी सिलसिले में तो हम लोग सक्सेना साहब से मिलने जा रहे हैं, मेरा जाना बहुत जरूरी है, और टीम का कप्तान जो हूँ। ओफो कप्तान साहब, तो
तो वो आपकी सूरत पे लट्टू हो जाएंगे और अगर उनके कोई बेटी हुई तो इसे आपके इनाम में दे देंगे। इसमें क्या शक है? शक्ल देखिए अपने आईने में, क्या उलिया बना रखा है। मैं कुछ नहीं जानती, चलो तुम घर चलो। मेरी अच्छी बहन प्लीज, सिर्फ एक घंटे की मोहलत, बस ये गया और वो आया। ओहो, देखो अगर तुम नहीं आए ना तो मैं भूख हड़ताल करके रानी माँ के यहाँ जाके बैठ जाऊंगी। अरे बाबा मैं बहुत जल्दी आऊंगा। आइए कोर्सा। भानु सक्सेना, इनको शौहर की तलाश। लीजिए, शौहर को काबू करने के लिए कुछ और नुस्खे सुनिए। नंबर एक, घोड़े के लिए लगाम, कुत्ते के लिए पट्टा, ऊंट के लिए नकेल। इसी तरह मर्द को काबू करने के लिए उस जंजीर की जरूरत होती है जो औरत अपनी अदाओं की। नंबर दो, शौहर और घर के पालतू कुत्तों की आदतों में ज्यादा फर्क नहीं होता। जब शौहर औरत की किसी खता पर गुस्से से गुर्राए तो उसे फौरन प्यार से पुचकार देना चाहिए। नॉनसेंस यार, इस अनार्की ने ना मालूम कितने घर बर्बाद किए होंगे इस किताब को लिखकर। लिखने वाली को तो पता नहीं, लेकिन पढ़ने वाली ने मेरा दिल। अच्छा, आपके दिल को भी क्या हो गया? और
वाकई कुछ कर रहा है। शकत गिन्नी कौन है बिटिया? ओ कुंवर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए। नमस्ते सक्सेना साहब। आज तो सुदामा की कुटिया के भाग जा गए। मैं तो समझा था कि आप हमें भूल गए। भला ये कैसे हो सकता है, आपको कैसे भूल सकते। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। कई रोज से हवेली जाने की सोच रहा था, लेकिन काम है कि दम नहीं लेने देता। जब से राम बन के जंगलों का ठेका लिया है, नींद हराम हो गई है। आपकी तारीफ सक्सेना साहब। यह है मिस्टर कौशल, मेरा जिगरी दोस्त, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी, हर साल कोई ना कोई कप जरूर जीतता है। अच्छा, अरे ये तो बड़े काम के आदमी है, इनसे पहले क्यों नहीं मिलाया आपने? आपकी तारीफ। ओ ये जी, मैं ये मेरी बेटी भानु है, दिल्ली में पढ़ती है, इस साल बीए का इम्तिहान दिया है और छुट्टियां गुजारने यहाँ आई है, फॉर ए चेंज, आई मीन कुछ दिन आराम करने, जस्ट टू रिलैक्स। भानु, ये कुंवर साहब है, वो उसको जो मैंने बड़ी हवेली दिखाई थी ना, ये उसके मालिक है। कहिए रानी माँ तो अच्छी तरह से हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी हैं। उनसे मेरे नमस्ते कहिएगा। भानु, मैं एक दिन तुम्हें रानी माँ से मिलाने ले चलूंगा। आप और मुझे ले चलेंगे? कुंवर साहब, हमारी बेटी को शिकायत है कि हम उसे कहीं नहीं ले जाते, उसे इस चार दीवारी में अकेले वक्त काटना पड़ता है। लेकिन कुंवर साहब, बस्ती से दूर, कुदरत की गोद में, कोई अकेला कैसे महसूस कर सकता है? कैसे महसूस कर सकता है? आप बजा फरमाते हैं। अब कल ही की बात है, हमारी नौकरानी झरना ने, तुम मुझे याद दिलाना चाहती हो कि मैं इनसे पूछूं कि क्या पियेंगे? अरे इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है, चाय पियेंगे? चाय, चलो चाय ले आओ। हाँ, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि मैं जी, मैं एक जरूरी काम से हाजिर हुआ। भैया क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको हमारी अगली बोट रेस में जज बनना होगा। क्यों नहीं, लेकिन कल तो मैं टूर पे जा रहा हूँ। जी कल नहीं, ये अगले महीने की 15 तारीख को है। हो, फिर भी मैं जरा अपनी डायरी देख लूँ, उससे कोई एंगेजमेंट तो नहीं है। माफ कीजिएगा, ये मेरी मिला। आई एम सॉरी, मैं जरा देख लूँ। चाय तैयार होगी? हाँ मानती। नहीं, आज मुझे ले जाने दो। ठीक है कुंवर जी, 15 तारीख को मैं फ्री हूँ। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ओह ये भानु को इनाम मिली है उसके कॉलेज की तरफ से, डांस कंपटीशन में। तब तो आपने वो अल्लाह रखी की किताब जरूर पढ़ी होगी। ये अल्लाह रखी कौन है? कमाल है सक्सेना साहब, आप अल्लाह रखी को नहीं जानते? वो एक बहुत मशहूर लेखिका है और डांस पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। तब तो जरूर पढ़ी होगी, क्यों बेटा? जी जी हाँ, मेरा मतलब है जी नहीं। ये किताब शायद आपकी। जी मैं ये मेरी बेटी भानु है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ओह ये भानु को इनाम मिली है डांस कॉम्पिटिशन। तब तो आपने वो अलग रखी किताब जरूर पढ़ी, क्यों बेटा? जी जी हाँ, मेरा मतलब है जी नहीं। आपके भीगे हुए जिस्म से आ जाते हैं, दिल को गर्माती है
जज्बात को भड़काती है। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। इस हरारत से जो उलझेगा वो जल जाएगा। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। आपका हुस्न वो शबनम है जो शोलों में पले, गर्म खुशबू में तपते हुए रंगों में ढले। आपका हुस्न वो शबनम है जो शोलों में पले, गर्म खुशबू में तपते हुए रंगों में ढले। किसका दिल है जो संभाले से संभल जाएगा। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। या किसी शायर की दुआओं का जवाब, जुल्फ है या किसी सावन के तलबगार का ख्वाब। होंठ है या किसी शायर की दुआओं का जवाब, जुल्फ है या किसी सावन के तलबगार का ख्वाब। ऐसे जलवा को जो देखेगा मचल जाएगा। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। हुस्न किसी एक में देखा न सुना, उसका क्या कहना जिसे आपने हमराज चुना। इस कदर हुस्न किसी एक में देखा न सुना, उसका क्या कहना जिसे आपने हमराज चुना। उसकी तकदीर का उनवान बदल जाएगा। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। इस हरारत से जो उलझेगा वो जल जाएगा। आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। भोला रानी माँ, रानी माँ, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। लत्थू की दुकान से नसुआर की डिबिया बदल कर ला रहा हूँ। अरे लेकिन ये तेरे दाढ़ी को क्या हो गया? दाढ़ी
दीदी ने कहा था ना दाढ़ी के कारण आप मेरी शादी करा रही हैं। है? हाँ, इसलिए मैं मुंडवा कर आया हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ ना। ब्रह्मचारी किसको कहते ये भी तू जानता है? हाँ हाँ, ब्रह्मचारी वो जो हनुमान जी का भक्त हो, जो रोजाना पूजा पाठ करे, जो रोजाना कसरत करे, जैसे मेरे पिताजी किया करते थे। ब्रह्मचर्य की महानता तेरी समझ में नहीं आएगी, इसके लिए सच्चे संयम, ज्ञान और तपस्या की जरूरत है। तू तो जैसा बुद्धू है जन्म भर वैसे ही रहेगा, चल जा। क्या? Come in. क्या कहा हुजूर? कमीन कौन है? अंदर आओ भोला। भोला आ गया। ये लो। इसका मैं क्या करूंगा? इसे ले जाकर कुमारी भानु को दे दो। मुझे क्या मालूम है मुझे क्या मालूम है कुमारी कौन है भानु कौन है? चरख है, कुमारी भानु सक्सेना जी की बेटी है। ओ, तो फिर कोई निशानी बता दीजिए। उसका गोरा रंग है, काले काले बाल हैं, लंबा कद है। दिखता नहीं किस पर खड़ा है? मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ। आंखें हैं या गुलाब जामुन, नीचे देख। क्या कहा? मैं कह रहा था वही है। कौन वही? इसके लिए ये लिफाफा लाया। किसका लिफाफा है? यहाँ ये हमारे कुंवर जी ने भेजा है। जा, जा ना। अरे दे, अरे अरे। तुमको मछली काट रही है। भानु जी, लीजिए आपकी किताब हाजिर है। आप अपनी किताब की जुदाई में काफी परेशान होंगे, लेकिन सच पूछिए तो मुझसे आपकी वो परेशानी ना देखी जा सकी जब आप अपने डैडी के सामने अपनी अल्लाह रखी को बेनकाब होते देखकर कतरा रही थी। इसलिए बिना आपकी इजाजत के उसी में अपने साथ ले आया। सक्सेना साहब की बातों से लगता था कि आपको कुदरती नजारों से बहुत दिलचस्पी है, लेकिन आपकी तन्हाइयों का साथी कोई नहीं। लेकिन आपकी तन्हाइयों का साथी कोई नहीं। आपकी तन्हाइयों का साथी कोई नहीं। जुर्रत कर रहा हूं, अगर आपको पसंद हो तो इन हसीन वादियों की सैर करा दूं, क्योंकि आपकी तरह मैं भी नजारों का दीवाना हूं। क्या पता जिस मंजिल की आपको तलाश है। अब तो आपकी तन्हाइयों के साथ ही मिल गया ना, बस शर्मा गई। Mm-hmm.
अगर मुझे न मिली तुम तो मैं ये समझूंगा कि दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी। अगर मुझे न मिले तुम तो मैं ये समझूंगी कि सिर्फ उम्र कटी जिंदगी नहीं गुजरी। गजल का हुस्न हो तुम, नज्म का शबाब हो तुम, सदाए साज हो तुम, नगमाए रबाब हो तुम। जो दिल में सुबह हो जगाए वो आफताब हो तुम, वो आफताब हो तुम। अगर मुझे न मिली तुम तो मैं ये समझूंगा मेरे जहां से कोई रोशनी नहीं गुजरी। अगर मुझे न मिले तुम तो मैं ये समझूंगी कि सिर्फ उम्र कटी जिंदगी नहीं गुजरी। फिजा में रंग नजारों में जान है तुमसे, मेरे लिए ये जमीन आसमान है तुमसे। अगर मुझे न मिली तुम तो मैं ये समझूंगा कि दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी। बड़े यकीन से मैंने ये हाथ मांगा है, ओ मेरी वफा ने हमेशा का साथ मांगा है। दिलों की प्यास ने आबे हयात मांगा है, दिलों की प्यास ने आबे हयात मांगा है। अगर मुझे न मिले तुम तो मैं ये समझूंगी कि इंतजार की मुद्दत अभी नहीं गुजरी। अगर मुझे न मिली तुम तो मैं ये समझूंगा, अगर मुझे न मिले तुम तो मैं ये समझूंगी कि सिर्फ कटी जिंदगी नहीं गुजरी। बस बस कौशल, फिर ऐसी बात जुबान पे कभी नहीं आना, सुनते हो? अब तुम जा सकते हो। घोर कलयुग आ गया है, आजकल के लड़के खानदान की इज्जत आबरू को कुछ समझते ही नहीं। अच्छा घराना, अच्छा खून देखकर रिश्ते तय किए जाते थे, घर की बहू कोई साग भाजी नहीं। हे भगवान, मुझे ये दिन भी देखना था। सुना तुमने, राजेश कहता है कि भानू से शादी करूंगा। सक्सेना, हमारे घराने का क्या मेल? कुंवर जी को ये सब पसंद होगा
तभी तो आपसे आज्ञा मांग रहे हैं। कौन होता है वो सब कुछ पसंद करने वाला? आपका बेटा, आपका खून। मेरा बेटा, मेरा खून और इस खानदान के आबरू मिटाना चाहे? नहीं तो, आपका बेटा उसे जीवन साथी बनाना चाहता है जिसे पाकर वो खुशी खुशी सारा जीवन बिता सके। और आपका हृदय तो इतना विशाल है जो ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता। ये आप ही का दिल है जिसने गरीब मुनीम की औलाद को अपनी औलाद समझा। बेटे से ज्यादा इज्जत है मेरी इस घर में और किसी भी बड़े खानदान की नहीं मैं, ना ही कोई गुण है मुझ में। इसी तरह जब भानु इन चरणों में आ जाएगी तो धूल भी चंदन बन जाएगी, कंकरी भी सूरज बन जाएगी। आप देवी हैं, बेटे ने आज प्यार का दान मांगा है तो क्या आप उसे खाली हाथ लौटा देंगे? आपके विशाल हृदय से निकली हुई हाँ आपके बाल गोपाल के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी माँ। आपके विशाल हृदय से निकली हुई हाँ। माधवी, आपने आज्ञा दे दी ये कहकर कुंवर जी को हंसा दी। देखा नहीं चल रहा था, ऐसा कहती है मेनकी कहीं की। छी, कितनी गंदी जबान। नमस्ते सक्सेना साहब, मुबारक हो। शुक्रिया। देखा भानु की सासू जी ने सगाई पर कितने अच्छे गहने और कितनी अच्छी साड़ियां भेजी हैं। हाँ हाँ बहुत सुंदर। कुंवर जी ने झूठ नहीं कहा, भगवान ने फुर्सत में बैठकर बड़ी मेहनत से बनाया है आपको। आप माधवी उनकी बहन, कुछ ही समझ लीजिए, देखा जाए तो कोई नहीं, सोचा जाए तो बहुत कुछ। आप आएंगी ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा देखती है भाभी, कोई संदेश पहुंचाना है। कहां? पिया की नगरी। जो जी में आई कह देना। तो कह दूंगी। हाँ कह देना, जितनी जल्दी हो मुझे अपनी नगरी में ले जाइए। तुम यहाँ कहाँ से आ गए? मगर क्यों? जाओ वहां जाके बैठो। अरे वाह बजरंग बली, तुम्हारी माया भी अपरंपार, तबल में झुंझुने बजवा दिए। वाह,
जय बजरंग बली और दुश्मन की नली। अरे मैं तो बजरंग दीवाना, मेरा दर्द न जाने को। बली अरे ये क्या? देखा, कुंवर जी की सगाई पर रानी माँ ने मुझे कितनी सुंदर साड़ी दी है। वाह, तो इसे पहनने का मुहूर्त कब निकलेगा? हाँ, इतनी सुंदर साड़ी मैं पहनूंगी? इसे तो मैं संभाल के रखूंगी अपनी शादी के लिए। अपनी भाभी के लिए। भैया हमें भाभी ला दो ना। अरे अपन से शादी कौन करेगा? क्यों, तुम गूंगे हो, बहरे हो, काने हो। तुम्हें किस बात की कमी है? आदमी ठीक ही तो कहती है। हाँ देखिए ना दोस्त, बस अपनी तो जिंदगी में एक ही तमन्ना है, इसका ब्याह रचा दूं कोई अच्छा सवर ढूंढकर, ताकि दुनिया वाले ये ना कहें माँ बाप न थे, भाई ने कुछ न किया। पगला कहीं का, मेरे और माँ जी के होते हुए ऐसी बात करता है। देख, मैं इसका ब्याह तो इस धूमधाम से रचाऊंगा कि दुनिया वाले वाह वाह कर उठे। अरे हाँ कौशल, मैं याद दिलाने आया था, कल बोट रेस है। और मैं भी याद दिला दूंगी, कल राखी है। तो क्या हुआ, हम सुबह जल्दी जा रहे हैं, 10 बजे तक लौट आएंगे। भैया का क्या भरोसा, चार दोस्त मिले नहीं कि दुनिया भूल जाता है। कल तो मैं नहीं जाने दूंगी। मुझ पर तो विश्वास है ना, बोट रेस के बाद पकड़ कर सीधा घर ले आऊंगा। यकीन रखो ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। ओ बुद्धू, रूठ गई क्या? तुम्हें इससे क्या? जरा तुम्हारे कान चाहिए। हाँ काट लो, छुरी ला दूं। अरे पगली, मैं तेने रिश्वत देना चाहता हूँ ताकि ये ठीक ठीक सुना करें। ये हमेशा सुनते हैं कुछ और, मैं कहता हूँ कुछ और। हाय कितने सुंदर है। कल राखी है ना, सोचा अपनी बहन के लिए ले चलो। ये पहन लेना। नहीं आज नहीं, कल राखी बंधवा कर अपने हाथों से पहना देना, बड़े कीमती लगते हैं। कहाँ से लिए? घबराओ नहीं, उधार नहीं लाया। वो जो सोने का मेडल था ना, जो पिछले बरस बोट रेस में जीता था, याद है तुम्हें? उसे तुड़वा कर बनवा लिए। ये तूने अच्छा नहीं किया भैया, वो तो तुम्हारे जीत की निशानी थी। अरे मेडल तो हर बरस मिलते हैं पड़ी, लेकिन तुम्हारे जैसी अच्छी बहन मोती दान की तो मिलती है। भैया मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पा के बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू झलवा, हर तरफ मेरी नजर तुझ को पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज। Thank you.
आ गए आप लोग। 10 बजे आने वाले थे ना, क्या बज रहा है इस वक्त?
अच्छा चलिए, आज राखी का दिन है, आज तो कुछ कहूंगी नहीं, कल देखा जाएगा। अरे क्या हुआ? लगता है जीतने का चांस खो दिया है ना? और वो कप्तान साहब कहाँ हैं? सामने आते ला जाती है क्या? माधवी क्यों मुझसे डर लग रहा है? कहीं मैं बरस ना पड़ूं? कहिए ना कि वो अपने दोस्तों के साथ चला गया, या वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गए, कोई तो बहाना बनाकर भेजा होगा उसने। माधवी, माधवी कौशल हमसे रूठ गया। क्या कौशल मुझसे रूठ गया? राखी के दिन भी कोई भाई अपनी बहन से रूठा करता है? कौशल तुमसे ही नहीं रूठा, वो हम सब से रूठ गया है, और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या? कहाँ है मेरा भाई? तुम उसे ले गए थे ना, मैंने उसे तुम्हारे हाथों सौंपा था, तुम उसे अकेला कहाँ छोड़ा है? बताओ तुम उसे कहाँ छोड़ा है? मुझसे धोखा न करो, मुझसे धोखा न करो, मेरा भाई मुझसे मत छीनो, मेरा भाई मुझसे मत छीनो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम उसे लेकर आओ, तुम उसे लेकर आओ, जाओ उसे लेकर आओ, जाओ जाओ उसे लेकर आओ। मैं उसे कहाँ से लाऊं माधवी, कहाँ से लाऊं? वो अब कभी नहीं आएगा, उसे भंवर निकल गया, उसे चील खा गई माधवी, उसे चील खा गई। ले जा हवेली में, आप चिट्ठियां लिखती हैं मैं ले जाती हूँ, पर भगवान जाने कोई पढ़ता भी है या नहीं, तो मेरी चिट्ठी किसी और के हाथ तो नहीं देती। राम कसम एम साहब, चिट्ठी पर नजरें तो कई होंगी, पर इधर भी झरना है। मैं इतना तो समझती हूँ कि किसने चिट्ठी लिखी और किसके लिए लिखी, मगर दुख तो इस बात का है कि उधर से कोई जवाब ही नहीं आता। झरना, वो सोग मना रहे हैं। हाय भैया, कौन सा उनका सगा संबंधी था? मुनीम का ही तो बेटा था। हाँ, माधवी का भाई जरूर था। फिर वही बात बेटी, अब रोने से कौशल वापस नहीं आएगा। तुम दोनों चाहे कितने ही हलकान हो जाओ, अब सबर से ही काम लेना होगा। ये मुझे किन पापों की सजा मिल रही है माँ? जी चाहता है जिस झील में कौशल जा छिपा है उसी में समा जाऊं, मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। हाँ बेटी, इससे तेरे दुखों का अंत हो सकता है, लेकिन उनके दुखों का अंत कैसे होगा जो तेरे दुख से दुखी है? जरा राजेश को तो देखो, क्या हालत बना रखी है उसने, न खाने की सुध है न पहनने की। मैं जाऊं तो लिपट कर कहता है, कौशल की जान मैंने ली है ना, मैं ही उसे माधवी से छीन कर ले गया था ना, मैं ही उसका खूनी हूं ना, और फूट फूट कर रोता है। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? माधवी वो क्या करे, वो उसकी आत्मा जो उसे सजा दे रही है, माधवी तू ही उसे इस सजा से मुक्ति दिला सकती है। औरत बनना बहुत कठिन है बेटी, स्त्री और पृथ्वी को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है,
बहुत कुछ सहन करना पड़ता है बेटी। आपने मुझे याद किया तो आपने मुझे भुला दिया। माधवी, तभी तो इतने दिनों आप मुझसे मिलने नहीं आए। उस रोज न जाने मैं आपसे क्या क्या कह गई। ठीक ही तो कहा था तुमने, बहन से भाई को छीनने का जिम्मेदार मैं हूँ। कौशल की मौत मेरी नहीं, ऐसा न कहिए। वो तो मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली। माधवी, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कौशल की जगह मैं ले लूं? कुमार जी, माँ जी, आन मिलो वीतम आन मिलो दुखिया जिया बोलाए वीतम आन मिलो आन मिलो प्रीतम आन मिलो दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो। घबराए हैं दूर पेड़ पे बैठा पंछी यही रत्न लगाए हैं ज्ञान मिलो प्रीतम आन मिलो प्रीतम आन मिलो। नहीं माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? उनके लिए, दुनिया वालों के लिए माधवी सिर्फ एक दोस्त की बहन सही, लेकिन तुम तो जानती हो माँ, वो इस हवेली की आत्मा है। उसकी चहक, उसकी संगीत से ये हवेली गूंजा करती थी। आज यहाँ सन्नाटा है, मौत का सन्नाटा। मैं ये शादी कैसे रचाऊं माँ, कैसे रचाऊं? मैं सब समझती हूँ बेटा। कितने दिनों से मेरे बाल गोपाल के चेहरे पर मुस्कान नहीं, जैसे कि वो भी माधवी के दुख से दुखी हो। लेकिन आज न जाने क्यों सक्सेना जी की हालत मुझसे देखी नहीं गई। बार बार यही कहते रहे, आप जो आज्ञा देंगी वही होगा। लेकिन मेरी मजबूरी भी देखिए, मैं एक बेटे का बाप हूँ। माधवी के सितार को किसने छेड़ा है माँ? ये तार छिड़े तो ऐसा लगा जैसे इस हवेली की खामोश दीवारें भी गा उठी। मन की एक बात कहूं? हाँ कहो। आपने ठुकरा दी तो मैं कहीं की भी न रहूंगी। तुम कहो तो मैं आकाश के तारे भी। उनका मुझे क्या करना है, इतनी बड़ी हवेली में अब मन घबराने लगा है। जी चाहता है कोई साथी हो, आज्ञा हो तो ले आऊं। किसे? अपनी भाभी को, भानु को। माधवी, याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप मेरी जिंदगी में कौशल की जगह लेंगे, तो फिर आप मेरी इतनी सी बात नहीं रख सकते। माधवी, मेरे ब्याह की इतनी चाह है तुम्हें। अपनी भाभी की चाह किसे नहीं होती। सर्वान् लाजानां परि तां
जाओ भाभी, ये रही तुम्हारी सुख शांति की मंजिल, तुम्हारी खुशियों का संसार, एक ऐसा संसार जिसकी हर बात नई है, जिसकी हर चीज तुम्हारे स्वागत के लिए बेचैन है। जरा आंखें उठाकर अपने इन जानतारों की दुनिया को देखो तो, है ना ये तुम्हारे सपनों का संसार। यहाँ अब तुम रानी बनके राज करोगी, और चाहो तो अपनी भक्ति से किसी को अपने दिल का राजा बना लो, या प्रेम से अपना गुलाम। जानती हो ये सेज किसने सजाई है? माधवी ने। हाँ भानु, वही तो इस हवेली की रौनक है। और तुम्हारी भानु? भानु, तुम मेरी जिंदगी हो और माधवी मेरी खुशी। जीने के लिए दोनों का होना जरूरी है। जज्बात को अब मिल जाने दो, मुद्दत की तमन्नाओं का सिला जज्बात को अब मिल जाने दो। जिस तरह मिली हैं दो रूहें, उस तरह से लब मिल जाने दो। मुद्दत की तमन्नाओं का सिला सीने से हटा दो, आंचल को शाने से झटक दो, जुल्फों को सीने से हटा दो, आंचल को शाने से झटक दो, जुल्फों को शाने से झटक दो। जुल्फों को जाती हुई रंगीन घड़ियों को रुकने का सबब मिल जाने दो। मुद्दत की तमन्नाओं का सिला था। रानी माँ दहेज में हाथी लाई थी, और नई बहू रानी क्या लाई? ये मेम की झरना।
प्यासी और पिला दो भंग में आया देख के ऐसा रंग के दिल मेरा डोला तो है हम भोला जरा सी और पिला दो भंग में आया देख के ऐसा रंग के दिल मेरा डोला वो है हम भोला मेरी तो अकल हुई है दंग ये कैसा बदला तेरा ढंग कि तू था भोला वो है हम भोला मुझे समझ न तू बैरागी मैंने आज तपस्या त्यागी मुझे समझ न तू बैरागी मैंने आज तपस्या त्यागी तेरे रूप का झटका खाके मेरी सोई जवानी जागी मेरी सोई जवानी जागी जा हट जा अरे मलंग करे क्यों बीत सभी के तंग के तू था भोला वो है हम भोला सरासी और पिला तो भंग में आया देख के ऐसा रंग के दिल मेरा डोला वो है हम भोला जंग के दिल मेरा डोला तो है हम बोला मेरी तो अकल हुई है दंग ये कैसा बदला तेरा ढंग के तू था भोला तो है हम बोला दिल से निकले हाय पर क्यों नखरे दिखलाए जरा हंस के गले से लग जा तुझे पारा प्यार बुलाए तुझे पारा प्यार बुलाए तेरे मन पे चढ़ गया संग यही अब क्यों चमकाए रंग के तू था भोला ओ है हम भोला जरा सी और पिला दो भंग में आया देख के ऐसा रंग के दिल मेरा डोला वो है हम भोला आजा। अरे माधवी तुम हाँ भाभी नींद आ रही मुझे तो फिर इन थकी थकी आंखों में डोरे क्यों अच्छा बताओ
कैसे लगा ये नया घर, नए लोग? अरे तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? कल से झरना ले आए करेंगे। झरना तो आज आई है ना भाभी, मैं तो बरसों से कुंवर जी के लिए चाय ला रही हूँ। सच तो है, और फिर मुझे किसी दूसरे के हाथ की बनाई हुई चाय अच्छी भी तो नहीं लगती। माधवी, भानु के लिए चाय मैं बना देता हूँ, तुम मेरे लिए कपड़े निकाल दो। शक्कर दो चम्मच। ओ मेम साहब, एक चम्मच और। आई न बानम काकर से चली, आई न बा बजरंग बली कर भली, बजरंग बली कर भली। अरे वाह रे वाह बजरंग बली, जय हो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव के ना नाए। जय जय ए ए लड़की, उठो वहां से, चलो। अरे उठना, ब्रह्मचारी की कुटिया को अपवित्र करने आई है। ठीक है, मैं अभी मजा चकाता हूं, भस्म कर दूंगा। चलो ए ए ए चिल्लाते क्यों हो? कली 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 कली। कौन सी कली लाए हो मेरे लिए? चंपा कली, अनार कली? मैंने ला, ऊपर से गिरी है तुम्हारी ओढ़नी में, छिपकली। इस हवेली की नौकरानियां नौकरों के कमरों में कभी नहीं जाती, याद रहे, फिर मैं तुम्हें यहाँ कभी ना देखूं। जी बात यह है कि बात कुछ भी हो, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जाओ, तुम्हें बहुरानी बुला रही है। और भोला, तुम रानी माँ का सामान बांधो, वो गुरु दर्शन को जा रही है। जरा धीरे, आप तो कहती थी ना आप जादू टोना कुछ नहीं मानती, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्या ये जादू नहीं तो और क्या है? सारी हवेली माधवी के इशारों पर नाचती है, नौकर चाकर कुंवर जी माजी जो वो कहती है वही करती है। इस हवेली की तो बहुरानी आप है, और हुक्म चलता है माधवी का। राम जाने कौन भैरव सिद्ध कर रखा है इस मुनीम की बेटी ने। दिखाइए ना क्या लाए हैं। पहले आंखें बंद कीजिए। वाह, जवाब नहीं है आपका, दिल आया तो एक ही डिजाइन की दो साड़ियां उठा लाए। अरे दूसरी तो माधवी के लिए है। चाय पिलाए माधवी, कपड़े निकाले माधवी, भजन सुनाए माधवी, माधवी। अरे हाँ, आज तुम्हारे डैडी मिले थे, कल उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है और कह रहे थे कुछ दिन तुम उनके पास रह लो। तुम्हारे डैडी अभी तक नहीं आए। भानु, मैं अब जाऊं।
आज ही रह जाइए हमारे पास। ओ भानु, चाहता तो मैं भी यही हूं, मगर मगर तुम जानती हो माँ जी गुरुदर्शन तो गई हैं और घर में माधवी अकेली है। माधवी माधवी माधवी, कौन लगती हो तुम्हारी? आखिर मैं भी तो तुम्हारी कुछ हूँ। माधवी के बिना जीना मुश्किल था, तो मेरी जिंदगी दूभर करने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो भानु, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसे ख्याल रखती हो। मुझे माफ कर दो राजेश, मुझे माफ कर दो, न जाने गुस्से में मैं क्या क्या कह गई। सच तो ये कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। तुम पगली हो, तुम पगली, तुम बहुत अच्छी हो, और अच्छों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। देरी हो रही है, जाइए। चलिए, कहीं इरादे न बदल जाए। सारी हवेली को पता है, सिर्फ आप इतनी भोली भाली हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता। क्या? यही कि जब आपको मैके भेजा जाए तो उसी समय माजी को भी गुरुदर्शनों के लिए चले जाना चाहिए। बस बस क्या? मेम साहब, कुंवर जी एक घंटे से बार बार घड़ी देख रहे थे, इसलिए नहीं कि कभी घड़ी देखी नहीं, बात ये थी कि जिस घड़ी का इंतजार था वो कहीं बीत ना जाए। झरना, इसमें हंसने की क्या बात है माधवी? हंसी तो मुझे इस बात पर आ रही है कि अब भाभी को आपके पांव में जंजीर डालनी पड़ेगी ताकि वो आपको अपने पास बैठा सके। भाभी बेचारी अभी समझती नहीं। समझती तो है पर कहते जरा झिझकती है। भानु, तुम्हें आना था तो मेरे साथ क्यों नहीं चली आई? साथ आ जाती तो रंग में फंग कैसे डालती। माधवी के लिए अब कोई लड़का ढूंढना चाहिए। माँ जी बहुत बड़ी हो गई है और ठीक कह रही हो बहू, बहुत सियानी हो गई। अब तुमसे क्या पर्दा, गुरु दर्शन का तो बहाना था। मैं गई इसलिए थी कि पुरोहित जी ने एक लड़का देख रखा था। पसंद आ गया ना? हाँ, लड़का भी अच्छा है और घराना भी। पुरोहित जी लड़के वालों से बात करके कल पता देंगे। माधवी, ये लो, आज राखी का दिन है, सोचा तुम्हें भी शायद किसी को बांधनी है। मैं तो समझता हूँ माँ जी, पर ठाकुर रतन सिंह जी की माँ को कौन समझाए। वो तो ये कहती हैं कि माधवी बहुत मनहूस है, अभागिन पैदा हुई तो माँ को खा गई, जवान हुई तो भाई को खत्म कर दिया। अब आपसे क्या छुपाऊं माँ जी, वो तो ये भी कहती हैं कि उस नसीब देरी का साया जिस पेड़ पर पड़े वो भी मुरझा जाए। बस बस, हार में जाए ठाकुर रतन सिंह उनकी माँ। आप जाके उनसे कह दीजिए कि हम अपनी देवी जैसी बेटी उनके घर में देने नहीं चाहते।
आज हमारी माधवी के लिए ऐसी बात कह सकते, कल राम जाने क्या कुछ कहेंगे। नहीं नहीं, हमें ऐसे घर में रिश्ता करना ही नहीं। तू फिर आ गई झरना? हाँ। दीदी ने देख लिया तो क्या कहेंगी? अब वो क्या कहेगी, अब तो मैं कहूंगी। किसके बारे में? तुम्हारी दीदी के बारे में, तुम्हारी माधवी के बारे में। लो जरा तुम भी सुन। मुझे क्षमा करो दीदी, मैंने सुना है और सुन के रहा ना गया। कहने वालों ने ये भी कहा कि माधवी माधवी मेरे मुख से निकल नहीं रहा। दीदी कह दे भोला, जो सुना है कह दे। ये कहा कि माधवी डायन है, माँ बाप को खा गई, राखी के दिन भाई को खा गई, और अब कुंवर जी की बारी है। माधवी जिसे राखी बांधे तो समझो, लेकिन ये छूट है दीदी, ये छूट है। लो लो तुम मुझे राखी बांधो, मैं तैयार हूं। तू जा भोला, तू जा। आगे को भागा क्या नहीं पड़ता। कौशल की याद आ रही है, मुझे भी सुबह से बार बार उसकी याद सता रही है। मुझे राखी नहीं बांधे, माधवी डायन भाई को खा गई, अब कुंवर जी की बारी, कुंवर जी की बारी। तो आए थे कंगन देने, राखी नहीं बांधी, शायद बांधी नहीं गई, और तुम बांध भी कैसे सकती थी। ये रेशम के चंद धागे जिन्हें बहन का प्यार फूलों की तरह उठा लेता है, उन्हें उठाते वो हाथ कांपे ही कांपे, जिनके दिल में कुछ और हो और जिम्मा पे कुछ और। भाभी मैं जानबूझकर ये राखी लेकर आई थी, ये देखने के लिए कि अगर माधवी सचमुच उनको भाई मानती है तो उनकी सलामती के लिए राखी जरूर बांधेगी। उनकी सलामती के लिए? हाँ उनकी सलामती के लिए। ये नहीं कि हाथ में हाथ लेकर ये कंगन तो रख लोगी और रोकर खामोश निगाहों से समझा दोगी कि मैं तुम्हें राखी बांधू, मेरे मन मंदिर के देवता, ये कैसे हो सकता है। बस करो भाभी, बस, बस। सुन लो, ये नाटक अब और नहीं चलने दूंगी। जो आंख मेरे सुहाग पर होगी वो आंख नोच लूं। बेहया कहती हो मुझे भाभी और बनती हो मेरी सौत। बेशरम डूब मर चुल्लू भर पानी में, जिससे तो तेरा भाई गैरत वाला था, जिसे ये नाटक देखा न गया तो जाकर छील में मुझ उठा लिया। मगर मैं जान देने वालों में नहीं, जरूरत पड़ी तो जान ले लूंगी। बंद करो बकवास। मैं पागल हो जाऊंगा, बंद करो ये बकवास। बेहया कहती हो मुझे भाभी और बनती हो मेरी सौत। कहती हो मुझे भाभी और बनती हो मेरी सौत, बनती हो मेरी सौत। कहती हो मुझे भाभी और बनती हो मेरी सौत, और बनती हो मेरी सौत। कहती हो मुझे भाभी और बनती हो मेरी सौत, बनती हो मेरी सौत, और बनती हो मेरी सौत। Thank you.
क्या हुआ माँ जी? गजब हो गए राजेश, गजब हो गया। माधवी हवेली का कोना कोना छान पड़ा। नहीं माँ जी, मेरे पलंग पर पड़े मेरा जी डर रहा है, कहीं वो जेल की तरह नहीं हो। माधवी ऐसा क्यों किया बोलो, क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं? मैं नहीं चाहती कि आप और भाभी। भाभी? तुम्हें सिर्फ एक भाभी का ख्याल है और मुझे तुम सबका। तुम तो रोकर अपने मन का बोझ हल्का करना जानती हो और अब घर छोड़कर भाग जाना भी सीखी है। अगर आज मेरी जगह कौशल होता तो क्या तुम उसे यूं अकेला छोड़कर चली जाती? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। भाभी मुझसे बात नहीं करोगी क्या? हाँ, अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं तो। मैं सच कहती हूँ भाभी, अब कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कहती हूँ। हेलो मोती बाबू, और यू कैसे हैं? अच्छा, मुझे आने में देर होगी, माफ कीजिएगा। तशरीफ रखिए। सुनाइए, आपकी बहन की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। मैं आपको ये एहसान जिंदगी एहसान किस बात का, ये तो एक इंसानी फर्ज था जो मैंने पूरा किया। मुझे याद आया, मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। जी कहिए। मैं तो शहर में नया आया हूँ ना, आप वो राय बहादुर छोटे लाल को तो जानते होंगे, कैसे आदमी है वो? वो तो नहीं जिनका लकड़ी का कारखाना है? हाँ वही वही। हाँ, उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ जी शरीफ आदमी। वो कारखाना मैं खरीद रहा हूँ। अच्छा, आप हाँ खरीद रहे हैं? वैसे तो अफ्रीका में एक बहुत बड़ा कारखाना मेरे पिताजी का है और वो चाहते हैं कि वो कारोबार मैं संभालूं, लेकिन मैं अपने देश हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ। लगता है आपको अपने देश से बहुत प्यार है। अपने देश से ही नहीं, इस शहर से खासकर। पिताजी का कहना है मेरा जन्म इसी शहर में हुआ था। शायद आपको कहीं जल्दी जाना है। मैं चलूंगा। नहीं, मुझे इस कारखाने के सिलसिले में जाना था। मोती बाबू, माँ जी बहुत शर्मिंदा हैं, उस रोज घबराहट में आपसे मिल भी नहीं सका। और हाँ, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, आप जरूर तशरीफ लाइए। मैं जरूर आऊंगा, जरूर। थैंक यू वेरी मच। बाय।
प्रबल विनती कहियो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहार सियावर रामचंद्र की जय। माधवी जी। माँ जी
राजेश को लड़का पसंद है और बहू भी जोर दे रही है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। बेटी, हर लड़की किसी न किसी दिन उस चौराहे पे आके खड़ी होती है जहां उसे जिंदगी का एक रास्ता चुनना ही पड़ता है। मोती बाबू के बारे में तेरी क्या राय है? बोल। मां जी, आप जो भी फैसला करेंगी वो मेरे लिए आशीर्वाद होगा। जीती रहो मेरी लाडली, जीती रहो। तुम्हारी जैसी लड़कियां कुल का नाम रोशन करती हैं। माधवी से शादी कर लूं? आप बड़े लोगों की बात भी खूब है। कुंवर जी, आपने इतना तो पूछा होता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। जो आदमी अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दूसरों की जान बचा सकता है उसके बारे में और जानने की क्या जरूरत है। सो तो हुआ, लेकिन बात यह है कुंवर जी कि शादी के लिए तो पिताजी भी बहुत दिनों से जोर दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जब तक इंसान अपने पांव पर खड़ा ना हो जाए उसे शादी करने का हक नहीं। मगर आपके पिताजी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हैं पिताजी, मैं नहीं। बात यह है कुंवर जी कि पिताजी का एक ड्राफ्ट आना था, आज 23 तारीख हो गई और अभी तक नहीं मिला। 25 तारीख से पहले पहले मुझे लकड़ी के कारखाने की 20,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है। अगर ये डील पूरी ना हो, ऐसा होगा ही क्यों, हम भी तो आपकी कुछ सेवा कर सकते। लेकिन मैं आपसे ये सब इसमें झिझकने की क्या बात है, ड्राफ्ट आ जाए तो मुझे लौटा देना। मोती बाबू, आज मैं आपको इस हवेली का जीवन सौंप रहा हूँ। माधवी से अगर कभी कोई भूल हो जाए तो उसे मेरी भूल समझकर माफ कर दीजिए। समझी थी कि ये घर मेरा है, मालूम हुआ मेहमान थी मैं। ओ, जिन्हें अपना कहती थी उन सब के लिए अनजान थी मैं। मेरा खोया बचपन ला दो मुझे, क्या दोष हुआ समझा दो मुझे। हाय वो होठ विदा क्यों कहते हैं, हाय जिन होठों की मुस्कान थी मैं। तुम शाद रहो आबाद रहो, अब मैं तुम सबसे दूर चली। हाय परदेस बनी है वो गलियां, जिन गलियों की पहचान थी मैं। कहां? ये रहा घर, ये रही पेचकी। और बाकी के पैसे? बाकी के पैसे काम बचाने के बाद। अजी काम हुआ ही समझिए। बेटी अंबा आई। मामा, मामा
काम बन गया, बात पक्की हो गई क्या? 16 आने तुमने क्या कुछ करना है, सब कुछ याद है ना? मैंने 18 नहीं याद है मामा। कवारी लड़कियां इस तरह नहीं चलती। किस तरह चले मामा? हाय मारा मामा, कई बात करेंगे ले। मामा मैं भाई दरवाजा खोल दूं एक हाथ में। नहीं, तू कवारी कन्या की तरह शर्मा के खड़ी रह। कौन है आप लोग? क्या कहा, फिर से कहिए। कौन है आप लोग? संजोग, संजोग ही की तो बात कर रहा हूँ बेटा। इधर हम भटके द्वार द्वार, उधर हमारी कन्या तुम्हें मिलने को बेकरार। यदि कौन है आप लोग? पुत्र मैं शास्त्री गोपाल दत्त वैद्यराज हूँ। तो फिर अंदर पधारिए। माता जी को भी ले आइए। मामा क्या मैं माता जी दिख रही? इसकी माता जी तो प्रभु को प्यारी हो गई और पिताजी पागल खाने में है। अब तो सब कुछ मैं ही हूँ इसका। अच्छा, आओ बेटी, ले देख ले घर को भी और घर वाले को भी। क्या घर वाले को भी? स्वामीनाथ पाँव छूंगी। मैं बोलूँ मैंने पाँव छूने दे। मैंने छूने दूंगा। छोड़ मारा हाथ, मैं बोलूँ पाँव की तरह तेरा। पाँव मैंने छुपा लिया, मैंने छुने दूंगा। पाँव दे दे। नहीं मामा। खेलो खेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि जीवन मरण का साथ होने वाला है। जीवन मरण तो नहीं, मरण का होगा। तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अकेले अकेले में खेलो कूदो, मैं रानी माँ से बात पक्की करके आता हूँ। भागे तू कहाँ भागे? मारे को छोड़ के बाबू। तू कहाँ भागे? मैं बोलू हूँ, अरे पकड़ छोड़ के तू कहाँ भाग रहे है? लेकिन तुम हो कौन? मैं कुंवारी कन्या हूँ। थारा नाम क्या है? मारा नाम है खंबा। खंबा? अम्मा खंबा पहले बराबर बोला था। मैं तो बोलो, तू प्यार से बोले, मैंने मंजूर है। अभी मैं अपना नाम बता दिया, अभी तू अपना नाम बताना, थारा नाम क्या है? बोला बोले ना, बम 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 बोले ना, बम 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 बोले ना, तू भी बोला, नाम भी बोला, बम 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 बम। बंद करो ये राग मारा। राग तुम्हारा मतलब गाना? मने गाना भी आवे, ले सुन जालिम गाना भी सुन। अंधेरिया हो रात सजन रहियो के जइयो पलंग ले। तोड़ डाली ना ब्रह्मचारी की खाट। अरे घबराए काहे को है जालिम, मेरा मामा तेज में इससे भी मजबूत खाट देगा। छोड़ नहीं छोड़ू, प्रेम की बात कर रहा है, बड़ी मुश्किल से आती है। मैंने छोड़ू दीदी, मैं छोड़ू सुनेगा नहीं। अच्छा मारे को धक्का देके गया पहलवानी करे, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मुझे भी पहलवानी आवे है। अंधेरिया हो रात सजन रहियो के जइयो, 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 अंधेरिया 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 हो रात सजन रहियो के जइयो, 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 अंधेरिया हो रात अंधेरिया हो रात अंधेरिया हो रात अंधेरिया हो रात। निर्दयी हथनी कहेगी फोड़ दी ना मेरी आँख। नहीं बोले मैंने हथनी बोले, मैं बोलूँ नीचे उतरा ना दूसरी भी गुल कर दूंगी। नहीं नहीं मैं नहीं, नहीं उतरेगा ना, नहीं उतरेगा। रानी माँ, रानी माँ, मैं बोलूँ शादी करेगा मेरे से? नहीं करूँगा। नहीं करेगा तेरा बाप भी शादी करेगा? दीदी दीदी रानी माँ नहीं, काटी 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 रानी माँ। अरे धोती दीदी दीदी जलना 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 जलना, मुझे मुझे एक आमा पहलवान की बेटी से बचाओ। अरे अरे इतना घबराती क्यों हो? वो तुमसे ब्याह ही तो कर रही है। नहीं नहीं वो तो मेरी आंख फोड़ने आई है, ये भैंसी से कौन ब्याह करेगा? जलना तुम मुझसे ब्याह कर? नहीं नहीं मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरा बाप भी ब्रह्मचारी था, मैं शादी नहीं करूंगा। करूंगा, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। झरना मैं शादी करूंगा, लेकिन लेकिन ये भैंसी से बचा लो। मेरी आँख फोड़ डाली, आई दुखता है दुखता है इससे दुखता है दुखता आई आई दुखता है झरना दुखता है दुख। Thank you.
की आंखों में झांको। कितनी सुंदर हो तुम, खुशबुओं में बसा के मुकम्मल, कालों पर शबाब का निखार, नए मत भरे नए शर्म से थिरकते थिरकते ये गुलाबी होंठ, सितारों में नहाई हुई मुस्कुराहट, जानती हो क्या लग रही हो तुम, ओ सिधरी चांदनी, उसको शबाब का एक सिलता हुआ जहान जी चाहता है। आज तो मिलन की रात है। अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, जिस तरह से थोड़ी सी तेरे साथ कटी है, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा, बाकी भी उसी तरह गुजर जाए तो अच्छा। दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। वैसे तो तुमने मुझे बर्बाद किया है, वैसे तो तुमने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा।
इस हुस्न मुजस्म की कहीं नींद न झूठी, कुछ देर अभी रात ठहर जाए तो अच्छा। पूजा के समय हो गए, हाँ।
ये क्या हो रहा है? सितार के तारों से छेड़छाड़ हो रही है? हाँ भानु, ये खामोश और उदास तार क्या कहते हैं ये सुनना चाहता था। मेरा ख्याल है बात अपने दिल की जो इन्हें सुनाना चाहते थे। बैठ जाओ ना घड़ी पर। लो बैठ गए। हनु, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम सितार बजाना सीखो? सीख तो लो, मगर मुश्किल हो जाएगी। जो मुश्किल से थोड़ी देर भूल दे वो भी ना भुला सकोगी। क्या माधवी किया और क्या? छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसीन इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मैं को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को। आप ये जहर क्यों पीते हैं? पीता हूं इसलिए कि मिट जाऊं। जिंदगी जब बोझ बन जाए माधवी तो इसका सहारा लेना पड़ता है। आपको ऐसा कौन सा दुख है मुझसे कहिए ना, मैं उसे अपने सीने में छुपा दूंगी। अब तुम ही बताओ माधवी, मैंने तुमसे शादी करके ऐसा कौन सा पाप किया कि अफ्रीका सिरे पिताजी ने रुपया पैसा भेजना बंद कर दिया? अगर कल तक लकड़ी के कारखाने की वीजा की किस्त पहुंची तो सब कुछ नीलाम हो जाएगा, इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। 20,000 मेरे जेवर जो हैं ये तो नहीं। नहीं, सुहागन के जेवर नहीं बिक सकते माधवी,
फिर कभी ऐसी बात जबान पर मत लाना। मैं हवेली जाऊं, मुझे विश्वास है कुंवर जी कभी इनकार नहीं करेंगे। हाँ, मैं किसी से खैरात तो मांग नहीं रहा, यही कुछ दिन के लिए उधारी तो मांग रहा हूँ, पैसे आते ही लौटा दूंगा। सुनिए, एक वचन दीजिएगा, आज से आपके दुख की साथी शराब नहीं माधवी होगी। लो, आज से तौबा कर ली माधवी, तौबा तौबा, शराब से तौबा। माझी तुम कब आई? आज से एक जरूरी काम। कहो क्या काम? बैठो ना। जी। तुम खोई खोई सी क्यों नजर आ रही? मोती बाबू ने कोई संदेश भेजा है? जी हाँ। जी नहीं, नहीं तो। कहो ना क्या बात है, मुझसे कैसी चीज है? उन्होंने लकड़ी के कारखाने का सौदा किया है। अच्छा किया ना? इसके लिए पेशगी देना है उन्हें 20,000 रुपए। हाँ हाँ। अभी तक उनके पिताजी ने 21 रुपया नहीं भेजा। इसीलिए मोती बाबू ने तुमसे कहा है कि मुझसे? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद ही सोचा कि आपसे बात करके देखूं। इसे कर्ज ही समझिएगा, उन्होंने कहा है 21 रुपया आने तक फौरन लौटा देंगे। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। गाड़ी है। कितने रुपए का चेक ले गई? 20,000। 20,000? किस खुशी में? सारी हवेली कर दो ना उसके नाम। भानु, भगवान ना करे उसकी जिंदगी में वो दिन आए। बारह बज गए हैं माधव जी। क्या रोज ही देर से आते हैं? बहुत काम करते हैं जी। अब आप जाइए, भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। तुम भी तो इंतजार कर रही हो। हम औरतों का आधा जीवन तो इंतजार में ही कट जाता है। एक बात पूछूं माधवी, तुम खुश तो हो ना? जी बहुत खुश। तो तुम्हारे बाल गोपाल से कह दूं कि उनकी माधवी अपने नए संसार में बहुत खुश है। वो तो अंतर्यामी है, सबको जानते ही होंगे। किसी का हुस्न रहे किसी का हुस्न रहे, हम रहे शराब रहे, तो गम नहीं है अगर, तो गम नहीं है अगर जिंदगी खराब रहे। किसी का हुस्न रहे, हम रहे शराब रहे, तो गम नहीं है अगर जिंदगी खराब रहे। किसी का हुस्न रहे, हम रहे शराब रहे। माधवी चलो मेरे साथ, इसी वक्त हवेली चलो, ये घर नहीं नरक है। अब तो ये चरण जहाँ रहेंगे वही मेरा स्वर्ग है, मेरा वैकुंठ धाम है। इन चरणों के बिना
देवता का द्वार भी मेरे लिए नरक है। इस नरक की आग में पढ़कर क्यों अपनी जिंदगी को जला डालना चाहती हो? ऐसा न कहिए, अग्नि और ब्राह्मण की साक्षी से मिला पति जैसा भी हो भगवान है, मेरा भगवान है। ये चेक आपका बैंक से वापस आ गया है। जो चेक मैंने इस चेक के भरोसे इश्यू किया था उसका क्या होगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और आपका शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करना होगा ये भी आप ही बता दीजिए। बताने को तो बहुत कुछ है मोती बाबू, और मैं जताना नहीं चाहता। इससे पहले भी एक 20,000 का चेक कारखाने की पेशगी रकम अदा करने के लिए दे चुका हूं। वो रकम आपने कहां और किस तरह खर्च की बताते हुए मुझे शर्म आती। आप इस हवेली के दामाद हैं जवाई बाबू, नाजायज फायदा तो मत उठाइए। दामाद समझने का शुक्रिया। कुंवर साहब आप अपनी हद से मत बढ़िए, मैंने आपसे भीख नहीं ली, कर्ज लिया है, कर्ज आपकी एक एक कौड़ी चुका दी जाएगी। मोती बाबू जो कुछ मैंने किया वो एहसान न था, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं इसकी मुझे आशा न थी। जवानी में सोच समझ कर कदम उठाने वाले किसी और पर नहीं बल्कि अपने आप पर, अपने खानदान पर एहसान करते। ये लीजिए कारखाने की डील के कागज, 20,000 की पेश की रकम अदा करके मैंने सौदा पक्का कर दिया है। ये तो माधवी के नाम है। हाँ, कारखाना माधवी के नाम रहेगा, आप सिर्फ उसे चलाएंगे। अब मैं इजाजत चाहूंगा। मैं आपको चाय पी बिना नहीं जाने दूंगी। नहीं भाभी, आज यहाँ चाय पीने को जी नहीं चाहता। मोती बाबू जी छोटा मत कीजिए, मैंने सब कुछ सुन लिया। हम दोनों की हालत एक सी, दोनों एक ही नाव के यात्री। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं मजदार की गहराई जानती हूँ और आप कुछ नहीं जानते। मैं आपका मतलब नहीं समझा। कुछ दिनों के बाद सब कुछ समझ जाइएगा। जो मेरा है वो तो था ही हमेशा माधवी का, और अब जो आपका होना चाहिए था वो भी माधवी के नाम। क्या मुकद्दर पाया है माधवी ने। मैं एक प्याला चाय का और पीऊंगा। जरूर, मैं भी एक बात और कहूंगी। ये आज आपको क्या हो गया है, होश में तो हैं आप? होश में हूं मैं, मैंने पी नहीं। गम है तो इस बात का माधवी कि उस बेवफा ने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हें जिंदगी भर तड़पने के लिए छोड़ दिया। आप कह क्या रहे हैं? भानु ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो नादान समझी कि तुम्हारी और कुंवर जी की मोहब्बत का राज जानकर मेरे सीने में आग लग जाएगी, लेकिन मैं इतना तंग दिल नहीं माधवी। चुप हो जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए, ये पाप है, ये पाप है। इसमें डरने की क्या बात है पगली, जिंदगी एक व्यापार है और प्यार उसमें चलने वाला सिक्का। वो तुम्हें इसलिए ना अपना सका कि तुम उसके गरीब मुनीम की बेटी थी, मगर आज वो अपने दिल से मजबूर है और तुम पर सब कुछ लुटा सकता है, और तुम भी प्यार की आड़ में उसका सब कुछ लूट सकती हो, धन दौलत रुपया पैसा। पैसा पैसा पैसा, क्या पैसा ही आपका भगवान है? धर्म कर्म पाप पुण्य अच्छाई बुराई पैसे के आगे आपको सब तुच्छ लगते हैं। पैसे के लिए आप इतना बड़ा पाप तोल सकते हैं? अपनी पत्नी की पवित्रता पर कीचड़ उछालते हुए आपको जरा भी लाज नहीं आई? जिन्हें लाज आनी चाहिए जब उन्हें नहीं आई तो मुझे क्या लाज आएगी? तो आप एक काम कीजिए, मुझे बाजार में ले जाकर नीलाम कर दीजिए,
जिंदगी एक व्यापार है और प्यार इसमें चलने वाला सिक्का, और जब इस तन में दोनों ही ना रहे तो इसे नीलाम न कीजिएगा तो और क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा। जी आप अफ्रीका से आने की तो आपने खबर तक नहीं दी। बेटा बेटा। हाँ माँ जी। सुना है मोती बाबू के पिताजी अफ्रीका से आए हैं? हाँ सुना तो मैंने भी है। तो तुम अभी तक उन्हें मिलने नहीं गए? नहीं माँ जी, मैं जा नहीं सका। ये ठीक नहीं है, कहीं वो बुरा ना मान जाए, आखिर हम लड़की वाले हैं। तुम जाओ उन्हें चाय पे बुला लो। जी अच्छा। समधन पहचाना मुझे? कहीं देखा जरूर है पर याद नहीं आता। लेकिन पिताजी आपने तो रानी माँ को देखते ही पहचान लिया था। मालिक से जल्दी नौकर पहचानता है। नौकर? जी, अपनी बहू मुनीम बनवारी लाल जी की बेटी है ना? जी हाँ, उन्हीं की बेटी माधवी। और राजेश भी शायद? नहीं तो ये आप क्या कह रहे हैं? वही राज जिसे आप बरसों से अपने सीने में छुपाए बैठी है। आपका बेटा शायद कालू। नाम न लीजिए उस चांडाल का, इंसान ही भेड़िया था भेड़िया। नमस्कार वाली। वो दिन याद है रानी माँ, जिस दिन कालू माली आपके चरणों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था और आपसे दया की भीख मांग रहा था। रानी माँ मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए रानी माँ। सरकार से कहिए मेरे बेटे को बचा ले। मेरा इकलौता बेटा है रानी माँ, मेरा इकलौता बेटा है। नहीं कल्चर, तुम्हारे बेटे ने खून किया है, एक गरीब विधवा के बेटे का खून, जो एक सोने की माला के लिए किसी की गर्दन काट सके, उसकी गर्दन हम फांसी के फंदे से हरगिज नहीं बचा सकते। तो फिर कालू माली का क्रोध जागा। राजा जी का एक ही बेटा था राजेश। उस रात जब सब सो गए, राजेश को लेकर कालू झील में कूद पड़ा। हवेली में तहलका मचा, बंदूक के फायर हुए, राजा जी के कुत्ते सड़के सूंघते फिरे, लेकिन कालू किसी के हाथ ना आया। तब राजा जी को खतरा हुआ उनके वारिस न होने से सरकार उनकी जागीर छीन लेगी और उनके साथ रानी माँ दर्दर की ठोकरें खाती फिरेगी। इसलिए राजा जी की इच्छा पर उनके वफादार मुनीम बनवारी ने अपने बेटे को रानी माँ के गोद में डाल दिया ताकि ये राज बना रहे हमेशा हमेशा के लिए। क्यों रानी माँ? नहीं नहीं, मोती मेरा बेटा नहीं। बदली की आग में जलकर इस हवेली में कोई नया नाटक खेलने आए हो। मालकिन सच को न छुपाइए, ये रहा वो लॉकेट जिसमें आज भी आपकी याद जड़ी हुई है। क्या नाटक खेला है कुदरत, मोती जो इस हवेली का असली वारिस है आज भिखारियों की तरह हाथ फैलाए बैठा है और राजेश मुनीम बनवारी का बेटा मालिक बना बैठा है। भैया भैया। दाद दो मालकिन, क्या बदला लिया,
वो भोला भाला बालक जिसे मेरी संगत ने जुआरी शराबी और पक्का अय्याश बना दिया है। बदला लिया, फिर जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ। तुमने मेरे मां बाप से बदला नहीं लिया, मुझ बेकसूर से लिया। आज 30 बरस के वनवास के बाद अपनी राजधानी में आज लौटा हूं। आप इस मामले में कुछ मत बोलिए, होगा वही जो मैं चाहूंगा। इस हवेली का मालिक मैं हूं। लेकिन मालिक का ये अन्याय माँ कैसे देख सकती है, जिसे मैंने आज तक बेटा माना हो उसे दरबार का भिखारी बना दूं? तो आप उसे उसके बाप की पुरानी गद्दी सौंप दीजिए, वो इस हवेली का मुनीम बन सकता है, अपने बाप के क्वार्टर में रह सकता है, हम इसकी इजाजत देते हैं। मोती, वो हमें झूठे चेक दे सकता है, लेकिन हम तो उसे सचमुच की नौकरी दे रहे हैं। आप बड़े दयालु हैं। तुम हमसे मजाक करते हो? मालिक से नौकर मजाक कैसे कर सकता है? मुझे इस हवेली से, माँ जी से, माधवी से इतना लगाव है, आप कहें मैं इनके लिए अपनी जान भी दे दूं। इधर आओ। इसी कुर्सी पर बैठकर एक दिन तुम हमसे अगर बेरुखी और बदतमीजी से पेश ना आए होते तो हम तुम्हें अपनी बगल में बिठाकर विस्की पिलाते, मुजरा सुनवाते, हुस्न की रंगीनियां दिखाते। इस तरह भूखी प्यासी कब तक रहेंगे? नहीं बेटे, अब तो इस घर का पानी भी पीने को जी नहीं चाहता। क्या हाल हो गया इस घर का? आज कुल का दीपक ही कुल को आग लगा रहा है, कुल की मान मर्यादा को शराब की प्यालों में ढाल कर पी रहा। न जाने भाग्य को क्या मंजूर है, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से भाग्य को सुधारा तो नहीं जा सकता। माँ, आज का जो पुरुषार्थ है वही तो कल का भाग्य है। आप ही हिम्मत हार देंगे तो इस हवेली का क्या होगा, उनका सुधार कैसे होगा? सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन मालूम होता है वो दिन मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। उसने राजेश को दर्दर का भिखारी बना दिया, मैं चुपचाप सहगी। वो शराब पी के इस घर में आया, मैंने हाथ जोड़कर कुल की मान मर्यादा का वास्ता दिया। उसने मेरी एक न मानी, लेकिन ये मंदिर जैसी हवेली विषयों के पास से अपवित्र हूँ ये मैं नहीं सह सकती। अब तू ही बता, उसने क्या नहीं किया और मैंने क्या नहीं सहा? यही हमारा धर्म है माँ जी, आप ही ने तो कहा था स्त्री और पृथ्वी को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। हाँ बेटा, जरा उस साजो के लिए जा। नहीं मालकन, नहीं, मैंने इस हवेली में आग लगाई है, मैंने इस घर की शुभ शांति को बर्बाद किया है, मुझे मेरे पापा की सजा मिलनी ही चाहिए। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है झरना, होने को कौन डाल सकता है, हम सब भाग्य के हाथों खिलौना है। रोशनी दी है मेरे अंधेरों में, किसने दिए
जलाए हैं। मोती, आज तेरी ये हिम्मत कि शराब पी के तू मंदिर के दरवाजे पर आ गया? निर्लज, ये तो सोचा होता कि आज मेरे बाल गोपाल का जन्मदिन है। जन्मदिन? मेरा जन्मदिन तो आज तक किसी ने नहीं मनाया, फिर तू इस पत्थर के बाल गोपाल का जन्मदिन क्यों मनाती है माँ? मोती, भगवान से डर, भगवान का अनादर मत कर। इस भगवान की बात करती है माँ, इस भगवान की माँ, कभी तूने इससे इतना तो पूछा होता कि इसने तेरे बेटे के लिए क्या किया है? ठाकुर उद्धम सिंह का बेटा एक नीच माली के घर 30 साल तक पलता रहा, जहां उसे इंसान के बदले शैतान बनाया गया, उसकी मासूम रगों में एक मीठा जहर भर दिया गया, उसे मां की गोद की बजाय रंडी के कोठों का सहारा मिला। तब मां, तब कहां था ये तेरा भगवान? इससे पूछ भगवान, ये भगवान कहां था मां? अब तो मैं उस भगवान को मानूंगा जो मेरी तरह पिए, गाए, नाचे। मैं इस पत्थर के भगवान को क्या पूजूं? दुष्ट, तूने मेरे भगवान को पत्थर कहा? कल तू मेरी माला के मनकों को बेशिया के पांव के घुंघरू बनाएगा। अब भैया नहीं रह सकती, अब यहाँ शैतान बैठा हुआ है। भगवान, भगवान, अब और नहीं सह जाता। मैं जाती हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन तू इसी पत्थर के भगवान के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, दया की भीख मांगेगा। पापी, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? मैं क्या मरूंगा? अब तक तो मैं मरता आया हूं। जीना तो मैंने अब सीखा, जीना तो मैंने गवाही के दस्तखत यहाँ होने चाहिए। मादी, ये क्या हो रहा है? रानी माँ ने नई वसीयत की है, उसके मुताबिक झील के पास वाली जमीन आपके नाम कर ली है। क्या वो जमीन? मगर ये कैसे हो सकता है माँ? मोती को मैंने जन्म दिया है, लेकिन तुझे बड़ी ममता और प्यार से पाला है मेरे बच्चे। जब एक भाई दूसरे भाई पर अत्याचार करने लगे तो माँ चुपचाप कैसे सह लेगी? पर माँ, उस जमीन पर तो तुम्हारे बाल गोपाल का मंदिर बनने वाला है। नहीं बेटा, मेरे बाल गोपाल की अब यही इच्छा है कि उस धरती पर तेरा घर बने। सुनिए, भोला ने आकर बताया है कि माँ जी बहुत बीमार है, आप उन्हें देखने नहीं चलेंगे? वो तो राजेश को ही अपना बेटा समझती हैं। मैं वहां क्या करूंगा? चलकर इतना तो पूछ लीजिए कि माँ तुझे क्या तकलीफ है। मैं जानता हूँ उन्हें क्या तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो हर रोग की एक ही दवा है,
वो मेरे कहने से कोई पिएगा क्या? माधवी कहाँ है? यहाँ हूँ माँ जी। तुझे और मोती को एक साथ देखना चाहती थी, उसकी इच्छा स्त्री और पृथ्वी को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। ये दिया देख रही हो ना, दिल दिल करके इसकी बाती जल रही है। इसके दिल से जो धुआं उठकर काजल बनेगा वो किसी के नैनों का श्रृंगार होगा। ये काजल इसके दिल की खाली नहीं है, इसकी ज्योति का सार है, इसके त्याग का चिन्ह है। नारी का जीवन भी दिए की तरह है, वो अपने त्याग और बलिदान से घर को स्वर्ग बनाती है। दोनों का ही जीवन परोपकार के लिए है। जब लगती वे बात तेल घटा बाती बुझी सोएगा दिन रात। महफिल में तेरी यूं ही रहे जश्न चरागाह, आंखों में ही ये रात गुजर जाए तो अच्छा। बराबर तप नहीं झूठ बराबर पा, जाके हृदय साँच है ताहिर दे कर तेरी महफिल से कहाँ चैन मिलेगा। अब अपनी जगह अपनी खबर जाए तो अच्छा। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैनाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जिस सुबह की तकदीर में लिखी हो जुदाई, उस सुबह से पहले कोई मर जाए तो अच्छा। कोई मर जाए तो अच्छा।
कोई मर जाए तो अच्छा। माँ। कौन? माँ। राम 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 सीता राम 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 जय जय राम गोविंद हरि हरि 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 मुकुंद हरि हरि गोविंद हरि हरि मुकुंद हरि हरि राम 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 सीता राम राम राम। हमारी इजाजत के बगैर हमारी माँ को शमशान ले जाने वाले तुम कौन थे? वो इस हवेली की रानी थी, वो हमारी मां थी, तुम्हारी नहीं। जी हुजूर की मां इस हवेली की रानी, वो रानी जिसने अपने मुनीम के झोपड़े में दम तोड़ दिया, वो बदनसीब मां जिसकी आंखें अपने बेटे का इंतजार करते करते पथरा गई और आज जो आखिरी आंसू उनकी आंख से गिरा वो मोती था जो पलकों से गिरते वक्त कह रहा था कि उनके बेटे को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम लोग दगाबाज हो, तुम लोगों ने साजिश की है, तुम सब ने मिलकर मेरी मां से वसीयत नामे पर झूठे दस्तखत करवा लिए, तुम लोग मुझे जिंदगी भर के लिए भिखारी बना देना चाहते हो। गालिमो तुमने रातों रात मेरी माँ को चिता के हवाले कर दिया, मुझे खबर तक न दी। तो क्या उस बदनसीब माँ की अर्थी चौराहे पे पड़ी इंतजार करती रहती कि कब उसके शराबी बेटे को होश आए और उसे कंधा देकर शमशान तक ले जाए? कौन जाने जिस दिन मैं मरूंगी उस दिन भी तुम होश में होगे या नहीं, तुम्हें याद भी रहेगा या नहीं कि माधवी की लाश को कंधा देना है। मुझे तो ऐसा लगता है माँ जी की तरह मैं भी तुम्हारी दुनिया से तरसती हुई जाऊंगी, तरसती हुई जाऊंगी। बस वकील साहब, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे आप ये बताइए कि आप रानी माँ के वसीयत नामे को झूठा साबित कर सकेंगे या नहीं, करोगे या नहीं? ऐसा मुमकिन ना होगा मोती बाबू। आप शायद ये भूल रहे हैं वकील साहब कि आप हमारे मुलाजिम हैं और हम आपके मालिक, जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। मैं अपने काम की उचित लेता हूँ, मैंने अपना जमीर अपनी आत्मा गिरवी नहीं रखी आपके पास। शायद आप ये भूल रहे हैं कि रानी माँ के उस वसीयत नामे पर जिन दो गवाहों के दस्तखत हैं उनमें से एक आपकी बीवी माधवी देवी के भी। गेट आउट। अच्छा हुआ तुम हमें मिल गए। मेरी माँ से जबरदस्ती वसीयत नामे पर दस्तखत करवाने वाले नमक हराम। मोती बाबू दहेश में मत आइए, माँ जी ने खुद अपनी मर्जी से दस्तखत किए थे। मैं सब समझता हूँ, पकड़ो मत और लाओ मुझे दो वसीयत नामा। नहीं हर किसे, मैं उस देवी की आखिरी आरज़ू कभी अधूरी नहीं रहने दूंगा। मेरे मुंह लगता है कमीने। मोती मेरी मजबूरियों को न ललकारो। छोड़ूंगा नहीं।
कहता हूं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये मेरे हाथों से आज नहीं बच सकता, ये मेरे हाथों से आज नहीं बच सकता। आज ये मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकता। छोड़ दो, छोड़ दो। माधवी तुम हट जाओ। माधवी, माधवी, मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख के कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। और फिर मैंने देखा गुस्से में ये दोनों आपे से बाहर हो रहे हैं, अपने पति के हाथों में बंदूक देखकर मैं घबरा गई। मैंने सोचा इस झगड़े में कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, मैंने दौड़कर बंदूक की नाली पकड़ ली और उसे छीनने की कोशिश करने लगी। इसी खींचतानी में अचानक एक धमाका हुआ, मैं बेहोश हो गई। इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ मेरे लिए उनके दिल में कितना प्रेम है। कोई भी नारी ऐसा पति पाकर घर से That's all, sir. बस हम इतना ही रिकॉर्ड कर पाए थे
कि वो बेहोश हो गई और अभी तक उन्हें होश नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है माँ जी की तरह मैं भी तुम्हारी दुनिया से तरसती हुई जाऊंगी, तरसती हुई जाऊंगी। मोती बाबू, अगर कोई और अरमान बाकी है तो ये लो, निकालो, चलाओ गोली, चलाओ, चलाओ। Yes, doctor. Arrange for one more bottle of blood. Madhavi Devi को अभी तक होश नहीं आया। Madhavi को बचा लो भगवान, बचा लो भगवान। मैं जाती हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन तू इसी पत्थर के भगवान के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, दया की भीख मांगेगा। मैं आ गया। लो भगवान, आज मोती मोती तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा, तुम्हारे चरणों में सिर झुका रहा। मुझे माधवी की भीख चाहिए, माधवी के प्राणों की, दे देना। पत्थर तो तुम्हें मैंने कहा था, बदला मुझसे लेते। झगड़ा तो तुम्हारे साथ मैंने किया था, मेरी जान लेते, लेकिन उस बिचारी ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इंसान बेमुरव्वत होता है, भगवान को बेमुरव्वत होना शोभा नहीं देता। भगवान कहाँ खो गए निष्ठुर, तुमने मुझे आज तक इस जीवन में कभी कुछ नहीं दिया। एक माधवी दी, अब उसके जीवन की भेंट भी मांग रहे हो। ये तुम्हारा कैसा न्याय है, ये न्याय तुम्हारा कैसा है भगवान। सुन लो, मैं तुम्हें माधवी को कभी अपने आप से जुदा नहीं करने दूंगा, तुम उसे कभी मुझसे नहीं छीन सकोगे। एक एक वही तो मेरा सहारा, अगर मेरे लिए नहीं तो उसे बचाकर अपने नाम की तो लाज रख ले भगवान। मैं उसके बिना कैसे जी सकूंगा, मैं उसके बिना कैसे जी सकूंगा, कैसे जी सकूंगा। मोती बाबू, माधवी को होश आ गया, भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हारे ये आंसू मुझसे सहन नहीं होते। सुनो, आज एक बात सच सच बताओगे? देखो, मुझसे झूठ ना बोलना। अगले जन्म में भी मैं तुम्हें पति के रूप में पाऊंगी ना? मन ही ईश्वर मन से बड़ा।
मेरा।